इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और दबाइए इस बेल आइकन को हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट के लिए बिल्कुल फ्री। हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल सिंघानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इजी सॉफ्टवेयर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एरे का एडिशन कैसे कर सकते हैं और सब्ट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए आपसे बोला जाए कि दो एरे लेना है और उनको ऐड करके तीसरे में पास करके प्रिंट करना है, या उनको सब्ट्रैक्ट करके तीसरे में पास करना है और प्रिंट करना है, तो वो कैसे कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम एरे ले लेते हैं, पहला जिसका नाम दे दिया मैंने ए, साइज ले लेते हैं 5, आप जितना मर्जी उतना ले सकते हैं। दोस्तों इसके एलिमेंट मैं यहाँ पे दे देता हूँ, 5 एलिमेंट होगा। एक दूसरा एरे ले लेता हूँ मैं यहाँ पे बी, इसकी भी साइज सेम देनी पड़ेगी दोस्तों, ये हमेशा याद रखिएगा। और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसको 5 एलिमेंट इसमें भी मैंने पास कर दिया दोस्तों यहाँ पे। अब क्या करता हूँ मैं यहाँ पे एक सी एरे लेता हूँ दोस्तों, इसको केवल डिक्लेयर करके मैं छोड़ दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हमको क्या करना है, ए को और बी को ऐड करके कहाँ पे पास करना है, सी में, फिर प्रिंट करना है, इसलिए मैं सी का सिर्फ डिक्लेरेशन कर रहा हूँ यहाँ पे। अब दोस्तों सिंपल सा क्या करेंगे, एक लूप चला देंगे। लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा ये डिसाइड कौन करेगा दोस्तों, एरे डिसाइड करेगा लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 एलिमेंट है, तो इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, मैं हमेशा बताता हूँ एरे वाले वीडियो में, तो 0 से स्टार्ट होगा। अब दोस्तों रही बात कहाँ तक जाएगा, तो 5 एलिमेंट है तो 0 से लेकर 4 तक जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू 4 कर देते हैं और 1 से इंक्रीमेंट कर देते हैं। ये हो गया हमारा लूप चल गया। अब दोस्तों क्या करना है, सिंपल सा हमको ऐड करना है, तो एक लाइन का कोड होता है सी ऑफ आई इक्वल्स टू ए ऑफ आई प्लस बी ऑफ आई, बस इतना लिख दीजिए और क्या कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पे सी को प्रिंट कर दीजिएगा। बहुत सिंपल तरीके से वैसे एरे का एडिशन हो जाएगा। चलिए मैं इसको चला कर दिखा देता हूँ, तो यहाँ से आप देख सकते हैं मिला लेते हैं अपने एलिमेंट को, 20 और 5 दोनों ऐड होगा दोस्तों, कितने हो जाएंगे 25, 50 प्लस 4 54, 40 प्लस 3 43 एंड 60 प्लस 2 62 एंड 70 प्लस 1 71 दोस्तों। तो आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से हमने ऐड कर दिया है। यदि सब्ट्रैक्ट करना है तो सिर्फ प्लस के जगह आप क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एरे का सब्ट्रैक्शन भी बहुत आसान तरीकों से यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा, आप मिला सकते हैं। अब चलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये लाइन बाई लाइन हो कैसे रहा है दोस्तों, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस आप देखते जाइए। ये मैं गारंटी देता हूँ दोस्तों आपको हर एक लाइन का कंसेप्ट बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आएगा। चलिए मैं आपको अब लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता हूँ। चलिए दोस्तों अब मैं इस प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन चला के बताता हूँ आपको। सबसे पहले मेन फंक्शन के बाद दोस्तों कौन सा लाइन चलेगा, 5वां लाइन चलेगा, इसमें कौन सा एरे बनेगा दोस्तों, ए नाम का एक एरे बनेगा। देख लीजिए मैंने यहाँ पर ऐसे ब्लॉक डायग्राम बना दिया है पहले से ही दोस्तों। यहाँ पर फर्स्ट वाले में कितना स्टोर हो जाएगा 20, सेकेंड में 50 और थर्ड में क्या हो जाएगा 40, उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों 60 एंड फाइनली इसमें क्या स्टोर हो जाएगा दोस्तों 70। अब चलिए उसके बाद कौन सा लाइन चलेगा, ये बी वाला लाइन चलेगा, इसमें मैंने क्या दिया है 5, 4, आप कोई भी एलिमेंट दे सकते हैं दोस्तों, सब कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1। इसके बाद दोस्तों क्या चलेगा, ये सी वाला लाइन चलेगा, तो सिर्फ यहाँ पे ब्लॉक अभी खाली रहेंगे आप देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों लूप स्टार्ट होगा, आई की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 0 दोस्तों, मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, ऐसे आप एक बार समझाऊंगा पूरा समझ जाएंगे। आई की वैल्यू दोस्तों यहाँ इनिशियलाइज होगा कितने से, 0 से। कंडीशन चेक होगा क्या है, आई लेस देन इक्वल्स टू 4, तो आई की वैल्यू कितनी है दोस्तों 0, तो 0 लेस देन इक्वल्स टू 4 कंडीशन ट्रू है। जब कंडीशन ट्रू होता है तो दोस्तों क्या चलता है, लूप की बॉडी चलती है। लूप की बॉडी में क्या हो रहा है, सी आई इक्वस टू ए आई माइनस बी आई, सी आई इक्वस टू ए आई माइनस बी आई दोस्तों। आप ए आई मतलब ए जीरो की वैल्यू देख सकते हैं कितना है 20, तो मैं लिख भी दे रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे ए आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों 20, क्योंकि आई की वैल्यू 0 है। और माइनस बी ऑफ आई, बी ऑफ आई बोले तो आई की वैल्यू 0 है, बी 0 कितना हो जाएगा दोस्तों 5, तो 20 माइनस 5 दोस्तों कितना हो जाएगा यहाँ पे 15 हो जाएगा। ये 15 कहाँ पे पास हो जाएगा, सी आई में आई की वैल्यू कितनी है 0, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा दोस्तों। और यही यहाँ पे सी आई की वैल्यू जो है प्रिंट हो जाएगी, तो आउटपुट में क्या हो जाएगा 15 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों मैं बार बार क्या बोलता हूँ, इसके बाद जब कंट्रोल यहाँ पे आएगा तो यहाँ से कंट्रोल कहाँ पर जाता है, इंक्रीमेंट पार्ट पर जाता है। इंक्रीमेंट पार्ट पर क्या होगा, आई की वैल्यू 1 से बढ़ रही है क्योंकि आई प्लस प्लस है, तो 0 से बढ़ के
आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और जो पहले आई की वैल्यू 0 है वो क्या रिप्लेस हो जाएगी 1 से। उसके बाद फिर से कंडीशन चेक होता है, आई लेस देन इक्वल्स टू 4, आई की वैल्यू कितनी है दोस्तों 1 है, तो 1 लेस देन इक्वल्स टू 4 कंडीशन अभी भी ट्रू है। जब दोस्तों कंडीशन ट्रू होगा तो इसकी बॉडी चलेगी, सी आई इक्वल्स टू ए आई माइनस बी आई, आई की वैल्यू 1 है तो ए 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप देख सकते हैं यहाँ पे 50 माइनस बी एफ आई, आई की वैल्यू 1 है तो बी 1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4 है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा 50 माइनस 4 कितना हो जाएगा दोस्तों 46। तो ये 46 दोस्तों कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, सी एफ आई में आई की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 46 आ जाएगा। और ये दोस्तों यहाँ पे प्रिंट वाले लाइन पे इसी सी आई की वैल्यू को मतलब 46 वाली वैल्यू को हम क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। तो दोस्तों अब इसके बाद आपको समझाने की आई थिंक ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यही लूप चलता रहेगा, 1 के बाद 2 3 4 तक चलता रहेगा, और ऐसे ही नंबर सब्ट्रैक्ट होते रहेंगे और प्लस कर देंगे तो दोस्तों क्या होता जाएगा, ऐड होकर प्रिंट होता जाएगा। इसके बाद भी दोस्तों यदि आपको कोई भी ऐसा पॉइंट है जो इस वीडियो में नहीं समझ आया तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, हम जरूर उसका रिप्लाई करेंगे आपको। और यदि हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इससे हमारा मेहनत सफल हो जाएगा। और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, इससे बेनिफिट आपको ये होगा कि हमारी लेटेस्ट वीडियो हमेशा आपको मिलती रहेगी। और दोस्तों हमारी वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।